आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपुर नगर विधायक मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 की भांति 2022 में भी भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। 4 दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में भी जो भी मतदान है उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति। तो सीएम योगी ने मतदान किया आज सुबह और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी कि जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाएगा और आवास की योजना किस तरह से मुहैया कराई जाएगी और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं योजनाओं को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर भी कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करी, ऐसा पहली बार होगा कि जब एमएलसी चुनावों में भी बीजेपी को अच्छा बहुमत मिलेगा, प्रचंड जीत हासिल करेगी और जनता से और लोगों से अपील भी की कि अच्छी खासी संख्या में बहुमत देकर बीजेपी को जिताए। आपको बता दें कि जब रूबरू हुए पत्रकारों से तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताया। गोरखपुर में महाराजगंज स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपुर नगर विधायक मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातें पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 के बाद 2022 में भी भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी जो सत्ताधारी दल विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में भी जो भी मतदान है उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। तो बीजेपी की जीत का दावा करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी और अब जब एमएलसी का आज चुनाव हो रहा है तो बीजेपी के कई बड़े नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी बीजेपी जीत होगी बीजेपी की और 4 दशक बाद ऐसा होगा कि विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में भी बीजेपी अच्छी खासी सीटें लेकर आएगी। तो सुबह से ही मतदान जारी है, 8 बजे से 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। एमएलसी का चुनाव हो रहा है और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मतदान करने के बाद पत्रकारों से मिले तो कौन कौन सी योजनाओं के बारे में जानकारी दी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही मतदान के बाद बाहर आए हैं और योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया है, मीडिया से बात किया है, ऐसे में उन्होंने साफ बताया है कि हम
जितनी भी हमारी जो परियोजनाएं थी पांच साल के बाद जो कोरोना काल में रुकी थी उनको भी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण योजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है। आयुष जो है विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया जा रहा है और बहुत तेजी से हम लोग परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोगों के को जो है सरकार पे जो भरोसा था वो कायम रह सके। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में हुए हमले के बारे में बताया, उनके ट्विटर अकाउंट हैक होने के बारे में बताया कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ प्रशासन जांच कर रहा है, कार्रवाई होगी और जितने भी दबंग होंगे जो मेरे जीरो टॉलरेंस नीति को धक्का देना चाहते हैं ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके घर पे जी बिल्कुल। हिमाचल सुबह से एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं तो अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके, साथ ही कितने मतदाता है जिले में? आपको बता दें कि 5,349 मतदाता हैं पूरे गोरखपुर महाराजगंज में। ऐसे में गोरखपुर में जो है बहुत ही तादाद पे वोट हुआ है, ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे 31% वोट हो गया है गोरखपुर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव में सांसद रवि किशन मतदान करने पहुंचे। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि जनता ने पहले भी भारी मतों के साथ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में मदद करी और अब एमएलसी चुनाव में भी भारी जीत हासिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही कट्टरपंथी और आतंकवादियों के निशाने पर है, ऐसे में प्रशासन और खुफिया विभाग के साथ साथ हमें भी रहना होगा। खुद जो महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे विधायक गण लोगों का, एमएलसी का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी चुने जाएंगे और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी के अंतर्गत ही सबको रहना है, योगी जी की सरकार के माहौल में ही उत्तर प्रदेश को आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना और बढ़ाना है। हमारे लिए भी ऐसा अवसर था क्योंकि पाँच साल पहले हम यहाँ से विधायक हुए थे, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं पाँच साल, बड़ा अच्छा लगा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गांव पैसा ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार प्रधानों को क्षेत्र पंचायतों को दिया है, जिला पंचायतों को दिया है, यह भूला नहीं जा सकता। इससे पहले सरकारें बनी लेकिन पंचायतों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप निगम के सामने खड़े हैं, निगम को भी अधिकार योगी जी के समय में ज़्यादा मिला है तो निश्चित हर लोग महसूस कर रहे हैं, हर BDC प्रधान पार्षद जिला पंचायत सदस्य सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और इसी के नाते जो 9 सीटें हमारी पहले विधानसभा की विधान परिषद की निर्विरोध हो चुकी हैं, 27 सीटें बचे हैं, 27 की 27 जो है योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं ताकि हमारा उत्तर प्रदेश में विधान पर सिद्धार्थनगर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस के जवान सहित CRPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। मंडल के 3 जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में बस्ती जनपद में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव में मंडल के 3 जनपदों में कुल 6,401 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है MLC का चुनाव हो रहा है, हर जिले हर मंडल में पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था की जो है अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर बूथवार पे यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं तो वहीं CRPF के जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है और जो भी वोट डालने के लिए बूथों पर आ रहे हैं तो बारी बारी से उनका चेकिंग होकर लगातार सबके द्वारा और भी जो है सबके द्वारा चेकिंग करके लगातार उनको अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो पूरे मंडल में जो है 6,401 जो है मतदाता है जो 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उनका होना है। अगर हम बात करें बस्ती जनपद में, तो बस्ती जनपद में 14 बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहाँ से यहाँ मंडल में जो है 3 प्रत्याशी हैं जो सबसे पहले अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो वहाँ भाजपा से जो है सुभाष चतुर्वंशी है और दूसरे विपक्ष की अगर हम बात करें सपा की, सपा से जो है यहाँ संतोष सिंह उर्फ सन्नी यादव जो पूर्व MLC भी रहे हैं और अब की बार पुनः फिर मैदान में उतरे हैं। अगर एक निर्दल प्रत्याशी वहीं हैं राकेश सैनी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से आखिर किसके सर पर MLC के ताज के रूप में
ताजपोशी होती है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बस्ती से टाइम टीवी के लिए और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रजनीश जुड़ चुके बस्ती से। रजनीश, सुबह से ही मतदान जारी है, अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? देखिए बता दें, सुबह से लगातार जो है 10 बजे तक जो है 32% मतदान हो चुका है, लेकिन अब मौजूदा समय में अभी तक जो है 80% लगभग वोटिंग बस्ती में हो चुके हैं। अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा अभी तक के समय बहुत ही अच्छा वोटिंग प्रतिशत बस्ती का गया हुआ है। जी जी, अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए तो कौन कौन से प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं? देखिए प्रत्याशियों की अगर बात करें, जो यहाँ के पूर्व MLC रहे संतोष यादव, सन्नी यादव, वो लगातार जो है जो भाजपा के मौजूदा समय में जो है सुभाष यदुवंशी जो प्रत्याशी के रूप में MLC के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, वो उनको कड़ी टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माना जाए सत्ता पक्ष का दबाव साफ तौर पर दिखता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़े थे बस्ती से। फिरोजाबाद MLC चुनाव के लिए मतदान जारी है, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है। 5 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से विजयी शिव हरे और सपा से दिलीप यादव आमने सामने हैं। बता दें कि दोनों जिलों में कुल 3,922 मतदाता हैं और दोनों जिलों में कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगरा में 16, फिरोजाबाद में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सभी केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पहले के चुनावों से एक जो डिफरेंस है, अभी सेंट्रल फोर्स है जो यहाँ सिक्योरिटी काम इंसाइड कर रही है। जनपद में कुल 16 केंद्र हैं जहाँ मतदान कार्य चल रहा है। हर जगह हम लोगों ने सीनियर लेवल ऑफिसर को एज पीठासीन अधिकारी बनाया हुआ है, जिसमें BDO या EO रैंक के ऑफिसर्स हैं, और हर जगह स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के रूप में या तो तहसीलदार, SDMs या कुछ जगह ADMs को भी रखा गया है। हर जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, अलग से उसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। शाम को 4 बजे तक मतदान काम चलेगा और उसके बाद मंडी समिति में जाकर के हम लोग बक्सा को स्टोर करेंगे। मुझे लगता है कि सम्मानित मेरे जो मतदाता हैं, BDC हो, प्रधान हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, महापौर हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, जो वो मुझे वोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी और योगी जी के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, चौमू विकास के लिए, सुरक्षा विकास, सुशासन, इसके माध्यम से हमको वोट पड़ रहा है। और जो उत्साह का वातावरण देखने को जो मिल रहा है, निश्चित ही जीत सुनिश्चित है, लेकिन अंतराल जीत का कितना होगा ये 12 तारीख को पता लगेगी। आज मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ है और आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ चल रहा है। ऐसा ही बाकी 15 अन्य जगह जहाँ जनपद में मतदान हो रहा है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। देखिए, पर्याप्त फोर्स जनपद में उपलब्ध है और जहाँ पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ भी पर्याप्त पुलिस बल लगा है। हर जगह गजिस्ट्रेट अफसर लगे हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हर जगह स्टैटिक रूप में लगे हैं, तो पूर्ण पुलिस व्यवस्था है। और चुनावों की वोटिंग चल रही है। मुरादाबाद बिजनौर भाजपा उम्मीदवार सत्यपाल सैनी और सपा से अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए SSP का कहना है कि हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस कर्मचारी तैनात है। DM और अन्य अधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। जनपद के सभी यानी 12 मतदान केंद्र, 12 बूथों पर मतदान प्रक्रिया सफल प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम लोग भ्रमण पर हैं। इस मतदान केंद्र पर आपने देखा होगा कि वोट पर्ची है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, महिला कर्मचारी, पैरामिलिट्री पुलिस बल है, QRT पुलिस एवं अन्य पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। 200 मीटर की दूरी पर वाहन खड़ा करना, जो आदर्श आचार संहिता जो विधान सभा में बातें थी वही इसी भी लागू है। सफल के जो
जनपद चंदौली से है, जहां एक युवती द्वारा उसके ट्विटर पर दो वीडियो डालकर दबंग युवकों की शिकायत की गई है। वीडियो में शामिल लड़के आए दिन लड़की पर फप्तियां कसते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं। तो वही वीडियो सामने आने के बाद दो युवकों को पीछा कर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं वीडियो में शामिल पांच अन्य युवक अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। युवकों के पास से वीडियो में इस्तेमाल तलवार को भी बरामद कर लिया गया है। लड़की ने ट्वीट किया था यूपी पुलिस को, चंदौली पुलिस को, मुझे भी टैग किया था। उसमें ये था कि कुछ लड़के हैं बाइक पे रील बना रहे हैं, जैसे आजकल अपराधी नशेड़ी किस्म के लड़के हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, कॉलेज के आसपास ये आतंक फैलाने जैसी हरकत करते हैं, तलवार हाथ में लेके लहराना और उसमें अभद्र कमेंट के साथ वीडियो डालना, लड़कियों पे अभद्र कमेंट करना, इस तरीके का कल एक ट्वीट के माध्यम से शिकायत मिली थी। वो सात लड़कों की एक टीम है, उसमें से दो लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया जो बाइक चला रहा था, बना रहा था जो रील, और दूसरा जो तलवार लहरा रहा था। बाकी अन्य की तलाश चुनाव के लिए मतदान जारी है। एमएलसी चुनाव के लिए जिले में कुल 16 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए जिले में कुल 3132 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गाजीपुर एमएलसी चुनाव में दो प्रत्याशी मैदान में है। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल और निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचार तो है नहीं, ना कोई कार्यक्रम है, इनके पास खाली धन है। नोटबंदी से लगाए थे, जीएसटी के लूट से लगाए, कुल पैसा तो इनके पास है, तो ये धन बल के बल पर देश में रानित करना चाहते हैं। जो छड़ी तो सब है, इनसे लंका की हाल ही भारत में बना देंगे। इनकी हुकूमत, इनके पास कोई कार्य नहीं, कम नहीं है पैसा वाले और पैसों माफियाओं के बदौलत ये लोग राजनीति में शीर्ष पर बैठना चाहते हैं। इससे और कुछ हो या ना हो, गरीब के अरमानों का कहीं ना कहीं गला घोटा जाएगा। हम सभी लोग विधायक के साथ आए। देखिए, चुनाव की स्थिति एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य जो प्रत्याशी हमारे विशाल सिंह चंचल जी, वो भारी मतों से विजयी होंगे। आपको इसका परिणाम 12 तारीख को लग जाएगा और एकदम एक तरफा है, इसमें कोई लड़ाई भी नहीं है। सपा का एक डमी कैंडिडेट है जो कि वो हरमेश। खबर बिजनौर से है, जहां एक मूक बधिर युवती के साथ दूसरे एक मूक बधिर युवक और उसके अन्य दो साथियों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस फरार अन्य युवक की तलाश में भी जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आपको बता दें कि दोनों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं इस मामले में महिला का क्या कहना है, आप भी देखिए। क्या है, जब पता चला तो जब आई तो जब रोए रही और बता रही, कही हम मका कहाँ किसने करा आयो, पता चल तो इसके घर को लेकर गई हो, तो उनका घर कुछ धोरी आ रही आयो, उसके घर तो पता चल गया। सर दो के घर का वैसे पता नहीं है कौन है वे कौन नहीं, अगर उनकी सूरत देख ली तो बता देगी कि ये हैं या नहीं है। आज भी घरे सारों में बताया इसने। तो थाने में तहरीर दे दी आप लोगों ने? थाना चांदपुर के एक गांव में 24 वर्षीय मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ उसी गांव के मूक बधिर दिव्यांग लड़के जो जिसकी उम्र 25 वर्ष है एवं अन्य के खिलाफ दुराचार का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लड़का लड़की दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता का मूक बधिर टीचर द्वारा बयान अंकित किया गया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण, कलमबंद बयान, सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुपारी किलर को गोली लग गई और उसके अन्य चार साथी फरार हो गए। बता दें कि सुपारी किलर कमाल और उसके साथियों ने दो दिन पहले धौरहरा में एक युवक की हत्या पैसा लेकर की थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजेश के पिता के संबंध अपनी बहू से थे एवं मृतक राजेश स्वयं ने अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने के प्रयास किए थे,
जिससे क्षुब्ध उनके परिवार ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश की थी, जिस क्रम में उन्होंने कुछ बदमाशों से वार्ता की एवं उनको पैसे का लालच देके राजेश को मरवाने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने 49,000 रुपये उस बदमाश को दिए और उसने राजेश को गोली भी मारी थी। आज स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जब उनको पकड़ने के लिए दबिश दी गई तो उन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुख्य अभियुक्त घायल हुआ है जिसका नाम कमाल अहमद है एवं अन्य 4 लोग मौके से फरार हो गए हैं जिनकी तलाश के लिए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां फूल बेहर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के घास लेने गए थे, युवक के घर वापस ना आने पर लगातार उसके खोजबीन में सभी लोग जुटे हुए थे, जिसकी आम के बाग में छदविक्षित लाश बरामद हुई है। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि किसी तरह से किसी से कोई विवाद नहीं था, हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं मामले को लेकर एसओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैनपुरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव रठेरा के कुछ लोग माता शीतला देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तभी धारू बाईपास सिद्धुती ग्लोबल स्कूल के पास एक ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 श्रद्धालु घायल हो गए हैं और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तत्काल बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंदिर की पूजा के लिए रठेरा गांव से लोग जा रहे थे, वहां पे तो ये लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे, जिसमें से 14 लोग हॉस्पिटल लाए गए, 2 ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और बाकी 12 जो थे उनको इंजरीज थी, एक थोड़ा सीरियस था तो उसको रेफर कर दिया गया इटावा और बाकी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से एक बाहर से थे, जिला औरैया के, और एक जो थे वो तहसील घ्योर से थे। सभी के ट्रीटमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। खबर मथुरा से है, जहां 3 भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, तीनों ने आपस में लाठी डंडे भी चलाए और बता दें कि स्थानीय नागरिकों की सहायता से लड़ाई को शांत कराया गया। तो उधर तीनों भाई फरार हो गए, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बताया, पहुंची तो लोगों ने बताया कि ये तीनों भाई नशे के आदी है, मकान और दुकान के बंटवारे को लेकर आपस में कई बार इनका झगड़ा इसी प्रकार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।